भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि हाल ही में सामने आए विधानसभा अध्यक्ष के वीडियो के आधार पर उन्हें नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए अपना स्थान छोड़ना चाहिए। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा की नीति विषय आधारित होगी। अशोक गहलोत जी को पुत्र की चिंता पिछले कई सालों से उनको स्थापित करने के लिए, लेकिन इस वीडियो से लगता है कि स्पीकर महोदय को भी अशोक गहलोत जी की चिंता ज्यादा है, सरकार को बचाने की चिंता ज्यादा है, और ये उन्होंने समय समय पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट किया। अब वीडियो के बारे में बात सिर्फ इतनी है कि उसकी वैधानिकता के बारे में, उसकी सत्यता के बारे में खुद वो कहें ज्यादा बेहतर होगा, और सच्चाई है जो दिखती है, तो उनको नैतिक रूप से सदन की गरिमा और निरपेक्षता को बनाए रखने के लिए कम से कम इस पद पर बने रहना मुझे उचित लगता नहीं। वो आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति में एक बड़ा उदाहरण पेश करेंगे। राज्यपाल महोदय अपनी मंशा प्रकट कर चुके थे, उन्होंने कहा था कि उनकी कतई मंशा नहीं है कि सत्र नहीं बुलाया जाए, लेकिन सरकार के आचरण से लगता था कि सरकार डरा कर, धमका कर, राजभवन को घेरने की धमकी दे के, कानून व्यवस्था को भंग करने की धमकी दे के सत्र बुलाना चाह रही थी, जो परंपराओं के खिलाफ थी। इसलिए संवैधानिक व्यक्ति पर इस तरीके के प्रश्न खड़े करके एक भ्रम पैदा किया था। अब मुझे लगता है कि एक नीतिगत तरीके से और मर्यादित तरीके से सरकार को जवाब मिल गया है। राज्यपाल महोदय ने सत्र आहूत करने की जो जारी की आदेश जारी किए हैं, तो बाकी सब मसले खत्म हो गए। अब तो सदन तय करेगा और आने वाला भविष्य तय करेगा।